तो गाइस स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा? स्विफ्ट कोड अगर आपको चाहिए, बहुत पैसे होता है, हम लोग ऑनलाइन पे काम करता हूँ, फेसबुक यूट्यूब में काम करने के ज़्यादा आपको स्विफ्ट कोड का ज़रूरत होता है, बाहर से विदेश से पैसा आने में भी हम लोगों को स्विफ्ट कोड का ज़रूरत होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले कैसे हम लोगों को स्विफ्ट कोड मिलेगा, और वैसे भी हम लोग जा रहा हूँ, हमारा भी स्विफ्ट कोड का ज़रूरत है, तो स्विफ्ट कोड लेने के लिए जा रहा हूँ बैंक में, और स्विफ्ट कोड कैसे मिलेगा, कहाँ किससे आपको बात करना है, ठीक है। तो अभी हमारा यूनियन बैंक में स्विफ्ट कोड है, यूनियन बैंक में अपना अकाउंट है, तो अभी मैं जा रहा हूँ यूनियन बैंक में, और यूनियन बैंक में जाने के बाद कैसे जो कि अपना कहाँ पर लिखा रहता है, बहुत बड़ा सा बैंक में साइट में जो कि लिखा रहता है, तो वहाँ पर अगर लिखा रहेगा तब तो अच्छा, लेकिन फिर भी पूछना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी स्विफ्ट कोड ऑनलाइन पे भी मिल जाता है, ऑनलाइन पे गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन उसमें ना थोड़ा रिस्क ये होता है कि हम लोगों को जानकारी ठीक ठाक से, बहुत सारे फ्रेंड लोगों को जानकारी नहीं होता है। सबसे बेस्ट होता है जहाँ पर अपना अकाउंट है वहाँ पर जाओ, और वहाँ पर जाने के बाद ब्रांच मैनेजर जो है उनसे पूछिए, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत बार बैंक का जो लोग होता है अगर किसी से भी आप पूछ लेंगे तो वो बोलेगा स्विफ्ट कोड क्या होता है, वो किस चीज़ है, वो IFSC कोड दे देगा आपको, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो मैनेजर सबसे या तो थोड़ा जानकारी जो रखता है उसके पास पूछना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए गाइस हम लोग जाते हैं बैंक में, और बैंक में जाने के बाद स्विफ्ट कोड हम लोग पूछ के वहाँ पर हम लोग को लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो गाइस फाइनल हम लोग आ चुका हूँ घर पे स्विफ्ट कोड को लेके। तो गाइस बैंक में हम लोग कैमरा नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा अलाउड तो नहीं करता है, कभी सारा बैंक में तो कैमरा अलाउड नहीं करता, क्योंकि काफ़ी सारा लोग होता है, काफ़ी सारा लड़की लोग भी वहाँ पर होता है, तो वो लोग कैमरा अलाउ नहीं करते, बहुत प्रॉब्लम दिक्कत है। तो फिर भी हम लोगों ने, हमारा जो काम था वहाँ पर हो गया, तो जस्ट हमने यहाँ पर बैंक का जो मैनेजर होता है, बैंक का मैनेजर से हमने गया वहाँ पर, जो कांच का शीशे का जो घर था वहाँ पर हमने गया, फिर विजिट किया, तो हमने बोला हमारा बाहर से पैसा आने वाला है तो हम लोगों को स्विफ्ट कोड चाहिए। तो जैसे उन्होंने, मैंने बोला तो उन्होंने स्विफ्ट कोड उनके इंटरनेट उसका जो सिस्टम है कंप्यूटर से निकाला, और कंप्यूटर से लेके हमारा यहाँ पर लिख के हमारे हाथ में दे दिया, ठीक है। जस्ट यही था और बस कुछ नहीं, जस्ट बोलना है बाहर से, बाहर से अगर बोलेगा बाहर से कौन सा बाहर से, अगर अमेरिका या वो भी नहीं पूछेगा, जस्ट आपको चाहिए तो उन्होंने दे देगा, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो और स्विफ्ट कोड बोलेंगे तो वो समझ जाएगा, लेकिन अगर आपने बैंक में जाएंगे अगर ऐसे वैसे किसी को भी अगर पूछ लेंगे ना तो शायद वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी जो कि बैंक में लोग होता है ना, तो उनको स्विफ्ट कोड पता नहीं होता, उनका IFSC कोड उनको पता होता है, वो आपको IFSC कोड दे देगा तो वो नहीं काम करेगा, तो आपको ये दिक्कत हो जाएगा। तो स्विफ्ट कोड को आपको लेना है तो सबसे अच्छा होगा कि आपके जो जिनको जो जानकारी रखता है बाहर से, वो पेमेंट लेने में जो आइडिया होता है, थोड़ा जानकारी उनके पास एक्सपीरियंस होता है। देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं ना, अगर बाहर का मतलब होता है, मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ तो कोई कोलकाता से पैसा सेंड कर रहा है, तो हम ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है, कोलकाता से आ रहा है, तो ऐसा बाहर भी कोई समझ लेता है, तो ऐसा भी नहीं है, उनको पूरा एकदम अच्छे से बोलना है कि हम लोग विदेश से पैसा आने वाला है, तो दूसरा कंट्री से पैसा आने वाला, तब जाके वो समझ जाएगा, ठीक है। और स्विफ्ट कोड अगर वो जिनके पास जानकारी है वो आप उन वहाँ पर जाके स्विफ्ट कोड बताएंगे, वो तो ऐसे ही आपको, जैसे हमने मैनेजर में गया, मैनेजर पर जस्ट हमने कुछ भी नहीं बताया, जस्ट हमने बोला बाहर से पैसा आने वाला है, स्विफ्ट कोड चाहिए, बस उन्होंने इंटरनेट को उनका कंप्यूटर ओपन किया, क्या टाइपिंग करके उन्होंने सर्च किया पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिख के हमारे कागज में लो, बस हो गया। यही है जो कि सबसे बेस्ट होता है, जो कि अपना ब्रांच में जिस में आपका खाता है उस ब्रांच में जाकर विजिट करके लेना सबसे बेस्ट होता है, या तो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा भी हो जाता है कि अपना जो भी फ्रेंड्स लोग होता है वो इंटरनेट से सर्च तो कर, स्विफ्ट कोड तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन उनमें से कौन सा स्विफ्ट कोड अच्छा है, कौन सा स्विफ्ट कोड सही है, कौन सा स्विफ्ट कोड चालू है, कौन सा स्विफ्ट कोड चालू नहीं है, ये तो हमको नहीं पता, ठीक है। गूगल का पे क्या है, गूगल में आप सर्च करेंगे काफ़ी सारे स्विफ्ट कोड दे देगा,
लेकिन उसमें वेरीफाई करना भी तो जरूरी होता है, तो ये एक दिक्कत आता है। आप ऑनलाइन पर आप लेंगे तो ये एक समस्या पड़ सकता हो, लेकिन फिर भी गलत नहीं है। इसमें भी अगर आ रहा है तो इसमें भी गलत नहीं है। हो सकता है उनके सिस्टम में जो आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा ये सही है गलत है। तो वो ही चीज़ के लिए हम लोग सबसे बेस्ट होता है। देखिए हम लोग तो बैंक में काफ़ी बार कितना बार उधर उसके ही सामने से जाता हुआ आता हो, क्या बात है, एक बार एक थोड़ा घुस के वहाँ पर लेने में क्या प्रॉब्लम होता है। तो यही जो कि सुविधा होता है और वो ही मेरे को सबसे बेस्ट होता है। अगर कुछ भी गलत भी हो जाता है तो हम उनको बोल सकते हैं बाद में कि भाई मैनेजर जी आपने ही तो ये नंबर दिया, आपका ही देखो ये देखो हैंड राइटिंग आपका ही है कि आपने ही स्विप कर दिया, तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं। लेकिन इंटरनेट से लेंगे तो हम किसको बोलेंगे भाई। तो फिर भी आप इंटरनेट से भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कौन सा सही है कौन सा अच्छा है। मैं तो दोनों ही करता हूँ, एक तो है जो बैंक मैनेजर दिया है वो मैंने लिख लिया, फिर उसके बाद हमने इंटरनेट में भी चेक किया, उसी नंबर को इंटरनेट गूगल में सर्च किया, हाँ भाई बैंक का नंबर बैंक का डिटेल्स आ जा रहा है इंटरनेट पे, तब मैंने एकदम वेरीफाई हो गया कि भाई मैनेजर जो स्विप कोड दिया है वो सही है और गूगल में जो बता रहा है वो भी सही है। ठीक है, मैं तो दो बार वेरीफाई करता हूँ क्योंकि भाई हम वहाँ पर एक बार डालेंगे पेमेंट का बात है ना, तो इसलिए ऐसा सिस्टम। बाकी दोस्तों ओवरऑल मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्विप कोड काफी आसान से आपको मिल ही जाता है। ठीक है, थोड़ा अगर आपने थोड़ा भागजोग थोड़ा दौड़ मोड़ करेंगे आपको स्विप कोड मिल ही जाता है। जस्ट कुछ नहीं करना है, बैंक में जाना है, मैनेजर को बोलना है बाहर से पैसा आने का, बस उन्होंने लिख के दे देगा। अगर पूछेगा भाई कौन सा बाहर से, बॉम्बे दिल्ली, अगर बोलेगा नहीं मेरा दूसरा इंडिया से नहीं मेरा दूसरा कंट्री से, अमेरिका हो गया या दूसरा जो भी कंट्री से पैसा है वो बोलना है, बस वो समझ जाएगा और कुछ ज्यादा में कुछ नहीं पूछेगा। क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, बैंक का जो लोग होता है वो मैनेजर जो होता है वो उन्होंने लोन देने के लिए वो बैठा है, लोन उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो स्विप कोड सर्विस फिर भी देता है। ठीक है, बस दोस्तों यही था कुछ स्विप कोड लेने का एक्सपीरियंस जो कि आपके साथ शेयर किया हूँ। उम्मीद है आपके वीडियो पसंद आएंगे, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। ओके दोस्तों, थैंक यू, टाटा, गुड बाय।